ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो हंटर्स के बारे में बताया कि एक हंटर है ए और एक है बी। अच्छा, ये 0.8 और 0.4 हमने ये क्या लिखे हैं, उनके टारगेट को हिट करने का चांस। तो टारगेट यहाँ पर है और इन दोनों हंटर से हमने कहा कि आपको शूट करना है, और शूट करने के बाद जिसका भी निशाना लगेगा उसको प्राइज मनी 280 दिया जाएगा। अब हुआ क्या कि इन्होंने फायर किया, और गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि सिर्फ एक का ही निशाना लगा और एक का मिस फायर हो गया। अब मान लेते हैं कि उस इवेंट में, उस कंपटीशन में कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा कि अगर एक का निशाना लगेगा तो वो किसका लगेगा। मान लेते हैं उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि एक फेयर वे में ए और बी को कितना अमाउंट देंगे। हमारे पास दो हंटर हैं, दोनों ने एक साथ फायर किया। अब एक का निशाना लग गया, एक का नहीं लगा, और हमें पता नहीं लग रहा है कि किसका निशाना लगा। तो जो प्राइज मनी 280 रखी गई है वो दोनों में डिवाइड होगी। दोनों में डिवाइड होगी तो हमें फेयर वे में डिवाइड करनी है। जैसे कि हम खुद ही देख सकते हैं कि ए के निशाने लगने का चांस बी से डबल है, 0.8 है। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को किस हेडिंग के अंदर रखना चाहिए, वो है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन तो हमें गिव ही नहीं है। कंडीशन क्या है कि दो में से सिर्फ एक का ही निशाना लगता है। ये इवेंट तो हो चुका है। अगर ये इवेंट हो चुका है तो आप ये बताओ कि ए का निशाना लगा होगा, इसका चांस क्या है। यानी अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं तो हमें निकालना चाहिए पी ए गिवन दैट ए बी बार प्लस ए बार बी, या इनफैक्ट मुझे ऊपर भी ए बी बार लिखना चाहिए। ये ए बी बार का मतलब क्या हो गया, ए का निशाना लग गया लेकिन बी का नहीं लगा, प्लस ए बार बी। ए बार बी का मतलब ए का नहीं लगा, बी का निशाना लग गया। ये इवेंट तो हो चुका है, यानी कंडीशनल बेस। ये इवेंट तो हो चुका है, अब आप तो ये बताओ कि ए बी बार हुआ होगा इसका चांस कितना है, या ए बार बी हुआ होगा इसका चांस कितना है। तो जैसे बेस में लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही शुरू किया, ए का निशाना लग जाए 0.8, बी का नहीं लगे 0.6, प्लस ए का नहीं लगे 0.2 और बी का लग जाए 0.4। उसके बाद ये काम ए बी बार की वजह से हुआ है, उसका चांस हो गया 0.6। इसका कैलकुलेशन करेंगे देन वील गेट 48/56 विच कैन बी रिटन एज 6/7। तो ये जो पी ए दे रखा होता है ये क्या दिया होता है, इनडिपेंडेंटली, मतलब बी के ऊपर डिपेंड नहीं। तो अगर पी ए गिवन होता है इसका मतलब है कि ए का निशाना 10 में से 8 बार लग जाता है और बी का 10 में से 4 बार लग जाता है। लेकिन अगर कंडीशनल बना दोगे आप इसको कि इन दो में से देखो किसी एक का ही लगा है, तो आप बताओ ए का लगा होगा तो ए के लगने का चांस 6 टाइम्स ज्यादा है, तो उसको कितना प्राइज मनी देंगे हम, 6/7 टाइम प्राइज मनी ये तो ए को दिया जाएगा। और बहुत ही कम चांस है, 1/7 चांस है कि अगर दो में से एक का निशाना लगा है तो वो बी का लगा हो, लेकिन स्टिल चांस तो है। तो हम उस प्राइज मनी का 1/7 पोर्शन उसको देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 240 रुपीज हम ए को देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 240।